तीन मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, जाने पीएम संघ बैठक में मुख्यमंत्रियों ने क्या कहा। 3 मई को देश में लॉकडाउन खत्म होगा या जारी रहेगा, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। पीएम नरेंद्र मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के संग हुई बैठक में कई राज्यों के सीएम ने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की। वहीं बैठक में इस बात पर भी सहमति बनती दिखी कि लॉकडाउन में अचानक ढील नहीं दी जाए। पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि देश में लॉकडाउन का लाभ हुआ है और दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि पीएम ने साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को हमें धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन का निश्चित तौर पर असर पड़ा और कोरोना संकट के मामले में भारत पर वैसा व्यापक असर नहीं पड़ा जितना दूसरे देशों पर पड़ा, लेकिन अब जान भी जहान को ध्यान में रखते हुए 3 मई के बाद सतर्क भरी रणनीति बनानी होगी, जिसमें लोगों की आजीविका भी सामान्य होने की ओर बढ़े और लोग रोग के रोकथाम के लिए हर जरूरी एहतियात कदम बने रहे। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है, हमको धैर्यपूर्वक लड़ना होगा। 10 राज्य बोले बढ़ाया जाए लॉकडाउन। पीएम मोदी संघ बैठक में लगभग 10 राज्यों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की वकालत की है। जहां अभी भी कोरोना के केस अधिक मिल रहे हैं, इसमें दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। पीएम ने मीटिंग में कहा कि यह लंबी लड़ाई है, हमको धैर्यपूर्वक लड़ना है। तेलंगाना ने पहले ही 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रखा है। 3 मई के बाद भी नहीं मिलेगी ढील। सूत्रों के अनुसार 3 मई के बाद लॉकडाउन पर अभी तुरंत फैसला नहीं हुआ, लेकिन पीएम मोदी सहित सभी सीएम की आम राय यह बनती रही कि 3 मई के बाद अचानक ढील दिए जाने के हालात नहीं हैं, लेकिन अब लॉकडाउन का स्वरूप अधिक स्थानीय करने की जरूरत है।